नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसके बहुत से पैटर्न्स आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे। टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जहाँ काफ़ी वेरायटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर कुछ नंबर्स रहते हैं इनफाइनाइट तक की सीरीज के, उस टाइप के कितने पैटर्न आपके एग्जाम में बनते हैं और उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये आज के सेशन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट सेशन जो मिलेगा उसमें विद प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे जो रूट के अंदर होते हैं और जिनमें सीरीज इनफाइनाइट तक चलती है, उसमें सारे पैटर्न हम लोग इन सेशन में कवर करेंगे, या तो आज के सेशन में या फिर आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जब भी ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक तो नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि काफी सारी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी ऐसे परफॉर्मा मैं आपको लिखाने वाला हूँ जो डायरेक्टली आपको याद करना है, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे चीजों को, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अभी काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे जिनका एग्जाम्स अभी आने वाले पास में, तो वो चाहते हैं कि सर सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक क्वेश्चन हमारे आते हैं उनका एक बार उन्हें सेशन मिल जाए। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिसेंटली कोई एग्जाम है, तो अभी तो इन सेशन में हम केवल इतना सीखेंगे कि क्वेश्चंस किस पैटर्न के आते हैं और जब वो आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है, ये सब बातें आज सेशन में जानने वाले हैं। तो नोटबुक जरूर लेके बैठें, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सेशन को बीच में पॉज कर पाएंगे तो आप फटाफट से तरीके से बैठिएगा और जब तक सेशन एंड ना हो लास्ट तक बने रहना है। ऐसा नहीं कि आधा सेशन आपने अभी देखा आधा बाद में देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। भाई लगभग आपके 1 घंटे का सेशन होने वाला है, पूरा सेशन लास्ट तक देखना है और सारी बातों को नोट करना है। नोट्स में आपके इस तरीके से बनवा दूंगा सिंप्लीफिकेशन के कि फ्यूचर में कभी भी आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं आएगी। सारी वैरायटी हम लोग कवर करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार समझना कुछ बेसिक बातें, बेसिक क्वेश्चंस जो लगभग आप में से काफी स्टूडेंट्स को आते होंगे और नहीं आते होंगे तो अभी पता लगने वाला है कि बेसिक पैटर्न वाले क्वेश्चंस किन्हें कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम केवल अभी रूट के अंदर वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। सपोज रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आपको लिखाई या दिखाई दे रहा है जिसमें सीरीज इनफाइनाइट तक जारी है और बीच में सर सिंबल लगा हुआ है प्लस या माइनस का, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आपको बताया था कि काफी सारे टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से एक टाइप ये है। इसको आप हेडिंग लिख करके नोट कर लीजिएगा टाइप वन के नाम से कि ऐसा पैटर्न आएगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे, और तसल्ली से लास्ट तक बैठना, इसके अंदर जितनी वैरायटी बनती है लगभग हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सुनिएगा ध्यान से एक बार, सर रूट ट्वेल्व रूट ट्वेल्व रूट ट्वेल्व अप टू इनफाइनाइट तक मुझे यहां सीरीज दिखाई दे रही है, तो सीरीज को कैसे टैकल किया जाए, तो मैं आपको समझा देता हूं। एक बार हम केवल अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं समझना, हम केवल अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर कैसे दे पाए। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी सिंप्लीफिकेशन के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की क्वेश्चंस की क्लासेस लेंगे जहां प्रूफ भी करेंगे कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। तो अभी बस इतना जाने कि आपको करना क्या, तो रूट के अंदर आपको कोई भी नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप कोशिश कीजिए पहले आप उसके फैक्टर कर पाए। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 12 का एक फैक्टर तो 12 इंटू 1 होता है। ध्यान से सुनते हुए जाना, 12 का एक फैक्टर 6 इंटू 2 भी होता है, बिल्कुल सही बात है। 12 का एक फैक्टर आपका 4 इंटू 3 भी होता है, तो मैं कह सकता हूं कि सर 12 के तीन फैक्टर हो गए 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1, और तो कोई तरीका नहीं है 12 को ब्रेक करने का, तीन तरीके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पर हमें यह पढ़ना है कि सर 12 जो सीरीज में दिया हुआ है इसमें आपको वो फैक्टर काम में लेने हैं जिनके बीच में अंतर एक का आए, क्यों आए उसके पीछे मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा। अभी इतना समझे कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसके पहले फैक्टर करने की कोशिश करेंगे और फैक्टर ऐसे किए जाएं जिनके बीच में अंतर एक का है, जिनके बीच डिफरेंस जो है वो एक का आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सर ऐसा फैक्टर तो 4 इंटू 3 है, दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है, दोनों के बीच एक का अंतर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आंसर क्या होगा वो समझिए, अगर ये सीरीज प्लस में चल रही है तो आंसर होगा आपका बड़ा वाला नंबर, 4 और 3 में बड़ा कौन होता है भाई, 4 बड़ा होता है। तो सीरीज अगर प्लस में चल रही है तो बड़ा नंबर आपका आंसर है। यही क्वेश्चन आपसे अगर मैं प्लस की जगह सेम क्वेश्चन माइनस में कन्वर्ट कर दूं तो आपके आंसर में बस इतना सा चेंज होगा
कि सर फैक्टर तो 4 × 3 ही होंगे, पर आंसर प्लस की जगह आपका माइनस कहा जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, अगर सेम क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, √12 - √12 - √12 अप टू इनफाइनाइट, तो 12 के फैक्टर हो गए 4 × 3 और आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के 4 की जगह प्लस का 3 क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इतनी सी बात मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आई होगी। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक है, पहले कोशिश करेंगे सर आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर पाए कि उनके बीच अंतर 1 का मिले। तो 12 को मैंने ब्रेक किया 4 × 3 में, प्लस का है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर आ गया 4, माइनस का है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर आ चुका है 3। और देखिएगा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नंबर्स यहां पे लिख देता हूं, आप उन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहना है। पहला क्वेश्चन है, आंसर जब भी लिखें क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कीजिएगा भैया ना। फर्स्ट क्वेश्चन सपोज ये 20 दिया हुआ, √20 सारी वैरायटी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, सारी वैरायटी हम लोग कवर करेंगे, कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं होगी कि जो आप एग्जाम में देखें और आपको ना पढ़ाया गया हो, पर कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक चीजों को नोट भी करना है। तो √20 अप टू इनफाइनाइट, इसका मैं आंसर जानना चाहूंगा आप लोगों से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नोट करें और आप इसे एज अ ऑफलाइन क्लास की तरह लेके चले भाई, जब तक आप ऑनलाइन चीजों को ऑफलाइन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन की तरह आपको आउटपुट नहीं दे पाएंगी। तो नोटबुक लेके बैठे ऐसे चलेंगे कि क्लास चल रही है और वहां आपको चीजें नोट कराई जा रही हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 20 की जगह यहां पर मैंने डाटा दे दिया 42 - 42 - 42 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3 के आप आंसर देना, जब भी आपका सेशन एंड होने वाला हो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट ओपन रहेंगे, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नंबरिंग ध्यान रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 132, 42 और 20। पैटर्न में चाहे तो मैं रिपीट कर सकता हूं, पैटर्न मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग से सेशन देखें बीच में नहीं। 20 जो है आप ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके बीच में अंतर 1 का है। चलिए 20 को मैं रिपीट कर देता हूं, 20 के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिनके बीच अंतर 1 का आता है, तो आप कहेंगे सर 5 × 4, क्या डाटा आ गया 5 × 4 होने को, तो सर 20 10 दुनी 20 भी होता है, 20 से कम 20 भी होता है, आप 5 × 4 ही क्यों लेके चल रहे हैं। 5 × 4 में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो आप हमेशा वही फैक्टर करेंगे जिनके बीच अंतर कितने का है, 1 का है। अब बात आ रही है कि सर आंसर 5 आएगा 4 आएगा, इतना कॉमन सेंस तो हम सभी के अंदर है कि सीरीज अगर प्लस में जा रही है तो बड़े नंबर को आंसर मानना है, सीरीज अगर माइनस में जाएगी तो आंसर हम लोग छोटे नंबर को मानेंगे। क्या यह बातें समझ में आ रही है क्या? तो अभी आंसर कितना आ गया आपका 5, और अगर यह सिक्वेंस माइनस में होता तो आंसर क्या आता 4। आपके लिए आंसर देने के लिए क्वेश्चन नंबर 2nd और 3। अब नेक्स्ट पैटर्न देखें आप एक बार, नेक्स्ट पैटर्न समझना। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, और मान क्या ले, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये पैटर्न भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सीक्वेंस आपका चल रहा है और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमेशा इनफाइनाइट के लिए बनते हैं, ये सीरीज ऐसी होती है जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अब 15 क्या कोई ऐसा नंबर है 15 के लिए कि मैं फैक्टर करूं और अंतर मुझे 1 का मिल जाए? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि 15 के तो दो ही टाइप के फैक्टर होते हैं। देखो कौन कौन से, 15 को या तो मैं 15 × 1 मान सकता हूं या 15 को मैं 5 × 3 मान सकता हूं। यह बात समझ में आ रही है क्या? पर अब तक जो आपको पढ़ाया गया वो उन नंबर्स के बारे में था जिनके फैक्टर करने पर उनके बीच अंतर आपका 1 का आना चाहिए, पर 15 के जब मैंने फैक्टर किए 5 × 3 या 15 × 1, कोई भी मुझे ऐसा फैक्टर नजर नहीं आ रहा है जिसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो सर मैं इस तरीके से तो 15 वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। अब यहां से आपकी कुछ बेसिक चीजें स्टार्ट हो रही हैं, उनको जरूर नोट करना, अभी तक आपने नोट किया ही नहीं किया तो नोट डालेंगे सभी। अब यहां से मैं कुछ परफॉर्मा आपको लिखा रहा हूं, अगर ऐसा कोई सिक्वेंस है जो प्लस में कंटिन्यू चल रहा है, एक्स का मतलब हो गया ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, तो इस सिक्वेंस का जो आंसर आता है वो ये आता है √4x + 1 + 1 / 2। आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे, वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन है, आप आराम से तसल्ली से पॉज करें, चीजों को नोट करें। √4x + 1 + 1 / 2। अब ये एक्स आपका कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज हमने 12 के लिए स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन में, 12 वाले केस में आपको पता है कि आंसर 4 आया था, 12 वाले केस में आंसर 4 देखो कैसे आया, आप x की वैल्यू अगर 12 यहां पे लिख देते हैं, वर्बली कैलकुलेशन करना
12 चौक 48 होंगे, 48 और एक 49 आएगा, 49 का रूट आ जाएगा 7, 7 और एक 8, 8 का आधा कितना आ गया 4 आ गया। पर ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि पहले मुझे जरूरत नहीं लगी वो बात बताने की, क्योंकि 12 के फैक्टर हो रहे थे, 20 के फैक्टर हो रहे थे। दिक्कत तब आई जब एक ऐसा नंबर आपको मिला जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, क्योंकि अंतर हमको एक का चाहिए। तो ऐसे वाले केसेस में सीधे सीधे आप एक्स की जगह पर 15 रख के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा अजीब आएगा, पर जो आएगा वो आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें। 15 × 4 = 60, 60 और 1 = 61, तो आंसर आ गया आपका √61 + 1/2। आंसर आ चुका हमारा √61 + 1/2। ये इस क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यू है जो आपके सामने पेश की गई। तो बातों को आप समझे आप लोग। पहला स्टेप, अगर सीक्वेंस में या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो पहले तो आप नंबर को ब्रेक करके देखेंगे कि क्या उसको ऐसा तोड़ना पॉसिबल है कि उसका अंतर आपको एक का मिले। अगर ऐसा है तो जैसे 12 को हमने ब्रेक किया था, 42 को भी हम कर सकते हैं, 7 × 6, 20 को भी किया जा सकता है, 5 × 4। तो अगर प्लस दिया हुआ है तो बड़ा फैक्टर आपका आंसर होगा, माइनस दिया हुआ है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। और अगर सर ऐसा हो जाए कि फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में यह फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अच्छा, आप ध्यान दे पा रहे हो तो यह सिक्वेंस मैंने प्लस के लिए लिखा है, और अभी अभी आपको मैंने बताया था सिक्वेंस तो माइनस में भी हो सकता है। तो माइनस वाले केस में देखिएगा, साइड में आप ये बात नोट कर सकते हैं, अगर यही सिक्वेंस प्लस की जगह माइनस में हो जाए, अगर यही सिक्वेंस प्लस की जगह माइनस में हो जाए, तो आंसर आएगा आपका √4x + 1 - 1/2। देखिए अंदर वाले प्लस वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या देख पा रहे, अंदर डाटा वही रहेगा √4x + 1। कहां फर्क पड़ना है, बस बाहर वाले डाटा पे आपको फर्क मालूम पड़ेगा, प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा -1। देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था, ये सब बातें मैं प्रूफ कर सकता हूं और मैं प्रूफ करके आपको बता सकता हूं कि ये सब चीजें कैसी आ रही हैं। पर अभी रिसेंटली हमारे पास टाइम नहीं है, कभी ऐसी क्लास भी मैं लूंगा जिसमें जितने फॉर्मूले मैं बता रहा हूं सारे मैं प्रूफ करने वाला हूं कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। पर वो तब जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपके पास टाइम रहेगा चीजों को बेसिक से समझने के लिए। अभी हमारा मकसद केवल एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो अभी समझे कि हमें करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अब कभी टाइम होगा तो डिस्कस भी किया जाएगा। तो अभी प्लस वाले केस में क्या आंसर आएगा, √4x + 1 + 1/2। माइनस वाले केस में √4x + 1 - 1/2। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, तब चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा, जैसे कि मुझे इसका मान निकालना है, इसका इसका, तो अब मैं समझ सकता हूं कि फैक्टर हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बेसिक अप्रोच आपको पता लग चुकी है। अगर फैक्टर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फैक्टर नहीं होता 11 का, आपको पता है 11 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिनके बीच में अंतर कितने का है, एक का है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, √4x + 1। 4x + 1 का मतलब सर पहले तो आप इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, 11 × 4 = 44, 44 में एक हमेशा जुड़ेगा, यह आ गया आपका 45। अगर सिक्वेंस प्लस में चल रहा है तो प्लस का 1/2, अगर यही सिक्वेंस माइनस में चलता तो माइनस का 1/2। बस इतनी सी इनकी वैल्यू, समझ में आ रही बात है आप लोगों को। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 21 − √21 - √21 up to infinite। मैंने पूछा इसका आंसर क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ी आसानी से बताएंगे, क्योंकि तरीका बड़ा सिंपल है ना। आपको क्या करना है, √4x + 1, 21 × 4 = 84, 84 और 1 = 85। अच्छा माइनस में है तो माइनस का 1/2। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे कि आप आसानी से उसको देख पाए, टिक कर पाए। तो आंसर आ गया आपका √85 - 1/2। अब तक की बातें समझ में आ रही है क्या? तो अब तक मैंने आपको केवल दो ही बातें बताई हैं कि या तो आप उन नंबर को डायरेक्टली करना सीखो जिनके फैक्टर हो रहे हैं, अंतर एक का है, या अगर अंतर एक का आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। तो अब ये पैटर्न आपका क्लियर होना चाहिए। किसी बात में भी कोई डाउट है तो वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, वापस रिप्ले करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता तो ऑफलाइन एकेडमी आकर के भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट पैटर्न पे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगला टाइप, ये टाइप टू मान सकते हैं आप इसको, टाइप वन के क्वेश्चन तो हो चुके ना। टाइप टू देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये नोट करते जाइए आप लोग क्वेश्चन साथ के साथ, ये सीक्वेंस नोट करें एक बार। रूट पंद्रह प्लस रूट के अंदर टू रूट पंद्रह प्लस ट्वाइस ऑफ रूट पंद्रह प्लस ट्वाइस ऑफ रूट पंद्रह अप टू इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, डायरेक्ट तरीका दोनों पढ़ने वाले हैं, आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा एक बार, ठीक है। अब सुनिए, मैं इतना आपसे जान सकता हूं कि इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है सर, पहले केवल नंबर ही नंबर थे, रूट पंद्रह रूट पंद्रह रूट पंद्रह अप टू इनफाइनाइट। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अब आप लोग रूट के साथ में ना एक नंबर को और चिपका दे रहे हैं। ये नंबर सभी को दिखाई दे रहा है अलग से लटका हुआ, ये नंबर आपने अलग से साइड में ऐड कर दिया। अब ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में उस फॉर्मूले को दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन लिखते समय मान लीजिए सिक्वेंस इस तरीके से है, एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, इस तरीके से कोई सिक्वेंस दिया हुआ है। अभी जो सिक्वेंस पढ़ा था हमने केवल एक्स के फॉर्म में पढ़ा था, क्योंकि बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं था, यहां मुझे बाहर भी नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो ध्यान देना, ये आएगा सर रूट फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय टू। जरा लिखें इसको एक बार, रूट फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी उस पर ना जाए, मैं आपको शुरुआत से समझाते आ रहा हूं। हम लोग केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि करना क्या है, क्यों करना है, उसकी एक क्लास ले लेंगे, सबको प्रूफ कर लेंगे। फिलहाल ये चीज आप नोट कर रहे हैं, रूट फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय टू। अच्छा जरा ध्यान दो, पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला जो पैटर्न था, उसमें वाई की जगह मैं वन मान सकता हूं क्या? वाई की वैल्यू क्या थी? वन ही तो थी, मतलब कुछ भी नहीं था तो मतलब वन था। तो वाई की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूंगा यहां पर, तो रूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय बन गया फॉर्मूला, क्योंकि वहां वाई की जगह क्या था आपका? वन था। तो हम लोग वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने लिखाया था रूट चार एक्स प्लस वन प्लस वन बाय टू। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब वन की जगह सर अगर टू आ गया या थ्री आ गया या फोर आ गया तो क्या करना है, उसके लिए पैटर्न आपके सामने। टू आ गया तो टू का स्क्वायर चार एड होगा, लास्ट में टू आ जाएगा। तीन आ गया तो तीन का स्क्वायर नौ एड होगा, लास्ट में तीन आ जाएगा। तो पैटर्न को समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, आपको आप कर सकते हैं। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान देना सभी, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का भाई? एक्स को तो सर रिप्लेस कर देगा आपका पंद्रह, तो पंद्रह चौके साठ। थोड़ा कैलकुलेशन वर्बली करने की कोशिश करना, एक्स की वैल्यू तो सर पंद्रह है, कोई दिक्कत नहीं है, पंद्रह इंटू चार आपका साठ होता है। वाई की वैल्यू दो है, दो का स्क्वायर सर चार होता है, साठ और चार चौंसठ होते नहीं होते, साठ और चार चौंसठ होते हैं, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। चौंसठ का रूट क्या हो गया? आठ आ गया, प्लस प्लस में सिक्वेंस है तो प्लस चलेगा, वाई वाई मतलब कि दो और डिवाइड बाय टू। तो बताइए आठ रो तो दस का आधा कितना होता है? पांच होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? पांच आ गया। समझ में आया क्या? ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो आपने पहले से पढ़े हुए देखे हुए हैं, तो एग्जाम में आपका पेन चलता रहेगा और डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। और ये पहले से पढ़ा हुआ देखा नहीं है, ना तो आपने पढ़ा है, ना आपने कभी इनकी प्रैक्टिस की है, ना टीचर ने आपको पढ़ाया, ना खुद से आपने मेहनत की है। तो ऐसे केस में नुकसान आपका है, नुकसान किसी और का नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं, तो वही स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं जिन्होंने मेहनत की, जो लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहे, इन चीजों को नोट जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि रफ कॉपी लेके बैठे हैं बस, उससे काम नहीं चलने वाला है। फॉर्मुला याद हो गया क्या? क्या फॉर्मुला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा पैटर्न है रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स एंड सो ऑन, तो सर फॉर्मेट होता है रूट फोर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई बटे टू। अच्छा, प्लस वाई बटे टू आपको तब करना है जब सिक्वेंस प्लस में चल रहा है, अगर यही सिक्वेंस आपका माइनस में आ जाए तो माइनस के वाई बाई टू आएगा। मैं वो भी आपको लिखा देता हूं, वो भी लिख लो आप एक बार, वरना कहेंगे सर माइनस वाला नहीं बता। इसको लिखेगा, इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, 4x प्लस y का स्क्वायर, माइनस का y है भाई, माइनस का y है तो माइनस के y बाय टू काम में लेंगे, प्लस का y होता तो प्लस के y बाय टू काम में लेते हैं। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
अगर ये बात आपको समझ में आई तो एक बार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं जरा। फटाफट से वीडियो पॉज कर लें आप लोग, आपके पास मात्र 6 सेकंड का समय, मात्र 6 सेकंड। हाँ जी, 4 × 5 = 20, 4.5, 4.5 थोड़ा अजीब सा आंसर नहीं है, 4.5 आंसर दिया जा रहा है। सब कुछ लिखा हुआ है सामने, सब कुछ आपके सामने है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है। तो जरा मुझे इतना बता दो, क्या मैंने इसके लिए तरीका नहीं बताया? मना मत कर देना, अभी अभी तरीका बताया। 4x + y² 8 आंसर आएगा, 8 कैसे आएगा जरा समझो और थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भाई। 4x का क्या मतलब है? 16 × 64, y² मतलब 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 होते नहीं होते, 100 होते हैं, 100 का रूट 10, उसके बाद प्लस में सिक्वेंस चल रहा है तो प्लस, y का मतलब 6 बटे में कितना 2, 10 और 6 = 16, 16 / 2 कितना आ गया? 8 आ गया, आ गया आंसर 8, 8 क्वेश्चन का आंसर है। बस पता होना चाहिए कि सर पैटर्न क्या है ना। अब ध्यान देना, अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप कोशिश कीजिए कि 16 के ऐसे फैक्टर कर पाए जिनके बीच में अंतर 6 का आ रहा है। पहले आपको याद है कि हम लोग अंतर 1 का क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर नहीं था, मतलब कि 1 था। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आपको ऐसे फैक्टर करने जिनके बीच अंतर 1 का है। नहीं आता तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर भी पहले कोशिश तो करो कि 16 के क्या सर कोई ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं जिनके बीच अंतर कितने का है? 6 का है। नहीं आएगा तो फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब फैक्टर नहीं हो पा रहे। तो जरा मुझे बताइए सर, 8 × 16 होता है? होता है। अच्छा, अंतर 6 का आ रहा है क्या? अंतर 6 का आ रहा है, प्लस में सीक्वेंस है तो बड़ा वाला आंसर 8 ही तो आंसर आ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूले तभी काम में लेते हैं जब तक फैक्टर नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है क्या? पहले वाले केस में स्टार्टिंग में अंतर हम लोगों ने 1 का देखा था। अंतर 1 का इसलिए देखा था क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 था। अभी हम लोग अंतर 6 का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई में 6 चिपका हुआ है। अगर 4 लगा हुआ होता तो अंतर कितने का देखते हम लोग? 4 का। हमें लगता है कि ऐसा कोई सा नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है जिनमें अंतर 4 का आ रहा है, तब जाकर के हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, वरना नहीं करने हैं। और मैं आपको समझा देता हूं, कुछ लोगों को अभी बातें नहीं समझ में आएंगी, बार बार उनको सेशन देखना पड़ेगा तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो सुनिएगा जरा एक बार, जरा बताओ क्या इसके लिए किसी फॉर्मूले की नीड है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या आंसर आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आसान हो गई चीजें, जो आपको बातें समझ में आ रही हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप नोट कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन के साथ सेशन को देख रहे हैं, तब ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 20 के ऐसे फैक्टर करने की कोशिश करूंगा कि जिनके बीच अंतर कितने का है? 8 का है। 20 एक इतना बड़ा नंबर नहीं है, 20 के गिने चुने फैक्टर होते हैं। 20 × 20 अंतर आ गया 19 का, 5 × 20 अंतर आ गया 1 का। हाँ, 10 × 20 में अंतर कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है, वही तो आपको चाहिए। अच्छा, आंसर 10 आएगा 2 आएगा, कौन डिसाइड कर रहा है? प्लस का सिंबल। अगर प्लस का है तो बड़ा आपका आंसर है, माइनस का है तो छोटा आपका आंसर। ये चाहें तो आप आस पड़ोस में दोस्तों से पूछ के देखना, जो लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं तरीके से, वही लोग आंसर दे पाएंगे। बाकी लोग हाथ खड़े कर देंगे, बोल देंगे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, जैसे उन्होंने कितने सालों से पेपर दे रखे हो, उनको पता नहीं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। पर ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन इस पैटर्न पर, मैं चाहूंगा थोड़ा प्लस की जगह इस बार माइनस आ जाए ना। ये एक सेकंड,
फटाफट से आंसर दो, क्वेश्चन भी नोट करते रहो एक बार। रूट सिक्सटी माइनस सेवन, रूट सिक्सटी माइनस सेवन, रूट सिक्सटी अप टू इनफाइनाइट, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? इनमें अंतर सात का है, कौन होंगे बताइए? बारह इंटू पांच, बारह इंटू पांच सर साठ होता है, अंतर भी सात का आ रहा है। छोटा नंबर या बड़ा नंबर? ऑब्वियस सी बात है सर, छोटा नंबर आएगा क्योंकि माइनस में सिक्वेंस है। आंसर क्या आ गया आपका? पांच। तो बिना सोचे समझे आप आंसर क्या दे सकते हैं? पांच दे सकते हैं। अब अगर किसी के माइंड में आया सर फैक्टर नहीं हुए तो क्या करना है, तो ये सोचने का आपको मैंने मौका दिया ही नहीं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा दिया था। क्या लिखाया था? रूट फोर एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, अगर सिक्वेंस प्लस में है तो प्लस का वाई बाय टू, अगर सिक्वेंस माइनस में है तो माइनस का वाई बाय। ये सब बातें स्टार्टिंग में आपको लिखा दी थी मैंने, तो आपको सोचना नहीं है, बुद्धि पे जोर नहीं देना है, बस उनको याद कर लेना, पैटर्न आपको समझ लेना। अब आगे मैं बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट पैटर्न पर। नेक्स्ट पैटर्न देख, नेक्स्ट टाइप आप कह सकते हैं इसको, टाइप थर्ड बोल सकते हैं। तो जरा समझना अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक सर हमने उन सीरीज को पढ़ा है जिन सीरीज में या तो प्लस है या माइनस है। अब मैं चाहूंगा आप उन सीरीज को भी पढ़ें जहां पर प्लस माइनस दोनों ही क्वेश्चंस में शामिल होते हैं, तो क्या करेंगे? तो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से आंसर देंगे जैसे अब तक आपने पढ़ा है ना। तो ध्यान देना, शुरुआत एक क्वेश्चन से कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करो पहले, रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव और अप टू इनफाइनाइट, ये सीक्वेंस एक बार नोट कीजिए। रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव अप टू इनफाइनाइट, और इतना तो आप देख करके समझ पा रहे होंगे। हाँ सर, जो आप कह रहे थे कि प्लस माइनस अल्टरनेट, इसमें सीरीज चल रही है, यानी कि इसमें सारे के सारे सिंबल ना तो प्लस में है और ना ही सारे सिंबल आपके माइनस में है। सिक्वेंस प्लस माइनस बोथ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? तो सुनिए कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अब आप यहां पे नोट डालेंगे, जो फॉर्मेट मैं आपको नोट करा रहा हूं वो फॉर्मेट पहले लिखेंगे आप लोग। रूट के अंदर एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स मतलब कोई भी नंबर, और सिंबल जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। इस टाइप का सीक्वेंस है। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा सर रूट फोर एक्स माइनस तीन प्लस एक डिवाइड बाय, नोट कीजिएगा, रूट फोर एक्स माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू। और ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अभी आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, अभी सीधे सीधे आपको नोट्स मेंटेन करने, एक क्लास ले लेंगे इन सब चीजों को प्रूफ करने के लिए। अभी आप इसको लिखिए एक बार, रूट फोर एक्स माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है? अच्छा, यही सिक्वेंस अगर अब देखना, एक बार बात को समझना, सीरीज प्लस माइनस में जरूर है पर इसमें भी दो पैटर्न बन सकते हैं। पहला पैटर्न जब स्टार्टिंग सर प्लस से हो रही है, और सेकंड पैटर्न जब स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मान लो अगर सेम सीक्वेंस इस तरीके से है, जब प्लस की जगह मैंने स्टार्टिंग माइनस से कर दी, प्लस की जगह मैंने स्टार्टिंग माइनस से कर दी, तो इस केस में जो सॉल्यूशन बनता है वो ये बनता है, रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन डिवाइड बाय टू। कुल मिला के जो बाहर प्लस का वन था वो सर सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया माइनस के वन में। तो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, प्लस वन हम लोग कब काम में लेंगे? जब स्टार्टिंग प्लस से हो। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना कि अगर पूरा प्लस है तो प्लस आ जाएगा, पूरा प्लस तो है ही नहीं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो स्टार्टिंग किसी ना किसी से तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि दोनों से एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, तो या तो प्लस से स्टार्ट होगा या माइनस से स्टार्ट होगा। अगर सर प्लस से स्टार्ट होगा तो प्लस का वन बाय टू लास्ट में आएगा, अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का वन बाय टू आपके लास्ट में आ रहा है। क्या ये बातें पचा पा रहे हो क्या? इनको नोट जरूर करना भाई, ये नोट्स वाकई में बहुत अच्छे तरीके से आपके काम आएंगे, और फ्यूचर में बार बार आपको अलग अलग जगह पढ़ने की या अलग अलग नोट्स बनाने की नीड नहीं होगी, अगर तरीके से आपने ईमानदारी से नोट्स बनाए ना। पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ा दूंगा, जितने भी टाइप्स बनते हैं सारे बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, फिर एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखा था उसका आंसर नहीं निकाला, पर आप इसका आंसर जरूर निकालें। बताइएगा
सर प्लस माइनस की सीरीज है, तो रूट फोर एक्स माइनस थ्री तो आना ही है, रूट फोर एक्स माइनस थ्री तो आना ही है। एक्स का मतलब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दो वाला, तो चार दूनी आठ में से तीन तो माइनस होगा होगा, चाहे सिक्वेंस प्लस से स्टार्ट हुआ हो चाहे सिक्वेंस माइनस से स्टार्ट हुआ हो, तो रूट फोर एक्स माइनस थ्री तो हर कंडीशन में आएगा। हाँ मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस का वन बाय टू आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताइए, प्लस का वन बाय टू आ जाएगा। अगर प्लस का वन बाय टू आ रहा है तो सर ये आ गया रूट फाइव प्लस वन बाय टू। अलग से जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ना, जितने टाइप मुझे पढ़ाने रूट के अंदर वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर एक क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेशन के लेंगे जिसमें अब तक जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के बने हुए हैं वो सारे हम लोग करेंगे, जो बन सकते उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। उससे पहले पर बेसिक आप जरूर पढ़ना एक बार, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा सेम क्वेश्चन एक और इसी पैटर्न का, जल्दी से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसका मुझे बिना देर किए हुए आंसर बता दो, बताइए। माइनस प्लस सीक्वेंस चल रहा है, तो रूट फोर एक्स माइनस थ्री, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस में से तीन गए पच्चीस, वेरी गुड, माइनस के वन बाय टू। पच्चीस का तो रूट सर हम जानते हैं, पांच में से एक गया चार, चार का आधा दो, बहुत सही आपने आंसर दिया। आंसर कितना आ रहा है इसका, चारों टाइप अब तक समझ में आए क्या, या बस मैं पढ़ाए जा रहा हूं आप लिखे जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, सारी वैरायटी समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करता। चलिए क्वेश्चन नोट करें, अब इसमें भी कोई ना कोई नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे कि फाइव माइनस टू रूट फाइव प्लस का टू रूट फाइव माइनस का टू रूट फाइव इनफाइनाइट। इसको लिखो जरा एक बार, रूट फाइव माइनस टू रूट फाइव प्लस का टू रूट फाइव माइनस के टू रूट फाइव अप टू इनफाइनाइट। सिक्वेंसर अभी भी प्लस माइनस में ही है, सीक्वेंस अभी भी आपका प्लस माइनस में चल रहा है, पर जो चेंजेस मैं देख पा रहा हूं कि सर ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया यहां पर दो, तभी मैं एक्स्ट्रा नंबर दिखाई दे रहा है क्या आपको? अगर ये एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रूट फोर एक्स माइनस थ्री और प्लस का वन, अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस के वन डिवाइड बाय टू, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर कुछ एक एक्स्ट्रा नंबर आपको दिखाई दे रहा है दो की फॉर्म में। ऐसे केस में क्या किया जाएगा देखिएगा, तो आप फिर से नोट डालेंगे एक बार, नोट आपने डाल ही लिया। फर्स्ट केस ये रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स प्लस वाई रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, ये सीक्वेंस नोट करें। अभी अभी आपको मैंने लिखाया था एक्स के फॉर्म में लिखाया था बस, क्योंकि वहां पर कोई भी नंबर बाहर नहीं था, अगर था तो मैंने उसको वन मान लिया, तो y की जगह पर बना चुका था। अब y की जगह पर दो तीन चार ऐसे नंबर आपको दिखाई देंगे, तो उस केस में जो सॉल्यूशन इसका बनता है वो बनेगा सर रूट में 4x माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय, नोट कीजिए इसको एक बार, रूट 4x माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय। रूट के अंदर 4x माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय टू, ये आपका डाटा आने वाला है, आ रहा है समझ? अच्छा स्टार्टिंग अगर माइनस से हो जाए तो क्या करेंगे? सेकंड केस लिख लीजिएगा, मैं समझ गया आपकी समझदारी, आप लिखिए इसको। अगर स्टार्टिंग माइनस से हो रही है तो रूट फोर एक्स माइनस के थ्री वाई स्क्वायर, इस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के वाई की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के वाई बाय। ये सब चीजें इतनी आसानी से याद नहीं रहेंगी, प्रैक्टिस का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर ये सब चीजें आपको याद रहेंगे ना। इनको लिखते जाओ फटाफट से एक बार,
सारी वैल्यूज प्लस का 3y स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर प्लस का y माइनस के y बटे 2। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, 4x माइनस 3y स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 4x माइनस 3y स्क्वायर तो दोनों केस में आएगा, चाहे स्टार्टिंग आप प्लस से करें या माइनस से। हाँ, स्टार्टिंग अगर मैं प्लस से कर रहा हूं तो प्लस का y बाय 2 है, स्टार्टिंग अगर मैं माइनस से कर रहा हूं तो माइनस का y बाय 2 है। तो जरा बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रूट 4x मतलब कि 5 चौके 20, 4x का मतलब 20, माइनस 3y स्क्वायर, y मतलब कि आपका 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 किया कितना हो गया 12, तो यह आ गया 4x माइनस 3y स्क्वायर। अच्छा, अब प्लस का y या माइनस के y, माइनस के y यानी माइनस के 2 बटे, ये क्वेश्चन का आंसर। तो 20 में से 12 गया कितना बचा 8, 8 को मैं 4 दुनिया 8 लिखूंगा तो 2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट में आएगा आपका रूट 2 माइनस 1, नीचे भी 2 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, तो सर इसका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका रूट 2 माइनस 1, ये क्वेश्चन का आंसर रूट 2 माइनस 1। कुछ आया समझ या नहीं आया? आ गया क्या? अगर आ गया तो मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, अगर लिख पाए तो, टाइप कर पाए तो, वरना मुझे सेंड कर दीजिएगा। रूट 16 माइनस 3 रूट 16 प्लस 3 रूट 16 माइनस 3 रूट 16 अप टू इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन तो ये, एक क्वेश्चन तो आपका ये, फटाफट से लिखें एक बार, और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखो जब सब कुछ समझ में आता जा रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी क्यों ना जाए, आप कैपेबल होंगे आंसर देने में अगर समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो फिर ये चीजें बार बार आपको पढ़ने की जरूरत है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लें एक बार, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने, अगर आप टाइप कर पाना अच्छी बात है, वरना मुझे पर्सनली आप सेंड कर सकते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछे थे, इनका आंसर आपका ये आएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपने जो मेहनत की है वो सही डायरेक्शन में की है। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन, प्लस वाले सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, जब सभी पूरी की पूरी सिक्वेंस में प्लस था तो क्या करना था, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। फिर माइनस वाले क्वेश्चन किए हम लोगों ने कि सर पूरा सिक्वेंस अगर माइनस में होगा तो क्या करना है, फिर हमने सिक्वेंस पढ़ा कि अगर प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव यानी कि एक एक करके आए उस केस में क्या करना होता है, उसमें दो केस बनते हैं, या तो स्टार्टिंग बंदा प्लस से करेगा या स्टार्टिंग बंदा माइनस से करेगा। फिर मैंने आपको सारे केसेस वो पढ़ाए थे जब सारे नंबर सिंपल थे, मतलब बाहर वन था, फिर हमने वो नंबर भी पढ़े जब बाहर दो था, तीन था, चार था, तो वाई को कैसे शामिल किया जाए, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर्मूले के अंदर, वो सब बातें भी आज के सेशन में आपने पढ़ी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं, ये सब बातें मैं रफ कर रहा हूं, सुनिएगा जरा एक बार, बिल्कुल बेसिक सा नेक्स्ट टाइप, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। रूट 3 रूट 3 रूट 3 आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, पर बीच में कोई भी प्लस या माइनस का सिंबल ही नहीं है, यानी कि अब हमने सिंबल का नाटक ही खत्म कर दिया, प्लस माइनस का। अब सिंपल नंबर आपको दे दिए, जब बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट उसको मल्टीप्लाई समझा जाता है, ये बात आप सभी को पता है ना। ऐसे केस में क्या आंसर आएगा, ऐसे केस में आप ध्यान रखें, ये बात तो लगभग हर बच्चे को पता होती है जिसने मैथ की किताब कभी भी साल में एक बार भी उठाई है। तो देखिए आप एक बार, एक्स मतलब कोई भी नंबर है इनफाइनाइट तक, तो ध्यान रखिएगा आंसर वही आएगा जो नंबर रूट के अंदर है, इस बात को नोट करें फटाफट से। इनफाइनाइट तक कोई भी सीरीज है तो आंसर सर वही आएगा जो नंबर रूट के अंदर दिया हुआ है, इट मींस अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, नोट कर लो इसको एक बार, उसका जो आंसर आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि यही पढ़ाया गया आप लोगों को। क्यों कैसे को अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दें, अभी बस क्या होता है ये समझें आप लोग ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस बाद में करेंगे, अभी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हम लोग।
इनफाइनाइट तक, सामने है 1331 की पावर एक्स माइनस फोर। तब आप लोगों से पूछा गया एक्स बराबर क्या, क्वेश्चन नोट करो एक बार, रूट इलेवन रूट इलेवन रूट इलेवन अप टू इनफाइनाइट, ये इक्वल है 1331 1331 टू द पावर एक्स माइनस फोर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको केवल और केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के अलावा कुछ और नहीं सोचना। हाँ जी सुनिएगा, क्या करना होता है ध्यान दें एक बार, क्या इसका आंसर 11 नहीं आएगा? भाई हमें तो यही पढ़ाया गया कि सर रूट के अंदर कोई भी नंबर इनफाइनाइट तक हो आंसर वही आता है जो नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो फिलहाल क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा, तो ये तो 11 आ चुका है ना। अच्छा अब सामने तो सर 1331 की पावर क्या है, एक्स माइनस चार। अब ध्यान देना, आप सभी को पता है कि 11 और 1331 में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि सर 11 की पावर 3 होता है 1331, यानी कि अगर मैं बोथ साइड क्यूब कर दूं या 11 का क्यूब कर दूं तो क्या मिल जाएगा 1331। तो दो तरीके, या तो 11 को लिख लें आप 1331 की पावर 1/3, मैं 1331 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल 11 आ जाएगा और सामने ऑलरेडी आपका 1331 है। और कभी भी दो संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, कोई भी दो संख्याएं आपस में इक्वल हैं, अगर उनका बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो पावर को सेम होना पड़ेगा, इट मींस यहां तो पावर सर एक्स माइनस चार है और यहां आपने पावर बताई मुझे 1/3, इक्वल किया एक्स की वैल्यू माइनस का चार उधर आके प्लस का हो गया, चार प्लस 1/3, चार तिया 12 और एक 13/3। तो जो पूछा गया उसका आंसर यही है, एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 13/3। आ रही बात समझ में क्या? चलो ये तो वो नंबर थे जब रूट के अंदर सीरीज इनफाइनाइट तक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करने, मैंने आपको बता दिया ना। अब सुनिएगा एक बार नेक्स्ट पैटर्न, अगर सर ऐसा हो जाए कि रूट के अंदर नंबर इनफाइनाइट तक ना जाए, रूट के अंदर नंबर इनफाइनाइट तक ना जाए, और मैं आपसे पूछूं कि अब आंसर क्या आएगा, क्या हम अभी भी कह सकते हैं कि आंसर 3 आएगा? नहीं आएगा ना, उसके पीछे तो कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि सर आगे या तो मुझे डैश 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 लिखा मिल जाए, जिसका मतलब भी होता है कि सीरीज कंटिन्यू जा रही है, या लास्ट में इनफाइनाइट आपको लिखा मिल जाए, तो आंसर वही आएगा जो नंबर रूट के अंदर है। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप लोग 3 को काउंट कर पा रहे हैं कि 3 कितनी बार है, तो जरा काउंट करके मुझे बताना भाई 3 कितनी बार है, 5 बार है, 3 आ रहा है क्या 5 बार? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा, अगर आपको डायरेक्टली आंसर चाहिए तो एक बात ध्यान रखें, आंसर चाहे 3 ना आए पर आंसर जो भी आएगा ना वो सर 3 की पावर के रूप में आएगा भाई, क्योंकि बेस क्या दिया हुआ है आपको, 3 ही तो दिया हुआ है। आंसर जो भी आएगा 3 की पावर के रूप में आएगा। अब अगर ये पावर में निकाल पाऊं तो मैं आंसर भी निकाल पाऊंगा। तो मैं आपको एक्स निकालना बता रहा हूं कि जो पावर है आप वो कैसे निकालेंगे, देखिएगा 3 को मैंने फिर से काउंट किया तो 3 जो आ रहा है वो आ रहा है 5 बार। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 लेके चलना है, 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32 है ना। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके माइंड में, आप मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए ये 3 6 बार होता तो मैं 2 की पावर 6 लेता, अगर ये 3 4 बार होता तो मैं 2 की पावर 4 लेता। मतलब लेना आपको 2 की पावर ही है। 2 की पावर क्यों लेना है, क्योंकि ये सर अनरूट है और अनरूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए हम लोग बार बार 2 की पावर काम में ले रहे हैं। तो फिलहाल 3 5 बार है तो 2 की पावर 5 लिया मैंने 32, 32 में से 1 कम कर दें 31/32, ये एक्स की वैल्यू है। अच्छा अगर ये एक्स की वैल्यू है तो सर हमारा आंसर तो 3 की पावर 31/32 है। क्या आएगा हमारा आंसर, 3 की पावर 31/32। मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब तक रिपीट करते रहना जब तक आपको बातें समझ में ना आए। देखिएगा एक बार 3 कितनी बार आया, 5 बार। तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है सर 32, हमेशा 1 कम करेंगे 31, 31/32 3 की पावर आएगी। तो रिजल्ट जो मिलेगा आपको 3 to the power 31/32, 3 की पावर 31/32। बातें आ रही है क्या समझ?
आ रही है तो फिर क्वेश्चंस थोड़े से और कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेशन तो मैं अलग से चलाऊंगा। यहां ध्यान देना भाई एक बार, यस आंसर 11 नहीं आएगा ये बात क्लियर कर लेना, क्योंकि आगे मैंने डॉट 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 कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता तो आंसर आपका 11 आता, अभी आंसर 11 नहीं आएगा। कोई बात नहीं सर, 11 नहीं आएगा तो क्या हुआ, 11 की पावर की फॉर्म में तो आएगा, ये पावर पता कर लेंगे हम लोग। पावर कितनी आएगी मुझे बताइए एक बार, पावर सर 11 को गिनो तो सही, 1 2 3 4 5 6 11 6 बार आ रहा है क्या, 2 की पावर 6 64 नहीं होता, 2 की पावर 6 क्या होता है 64। जिनको नहीं पता 2 को 6 बार आराम से फ्री टाइम में गुणा कर लेना, जब कुछ मन ना करे तब इनका मल्टीप्लाई करने बैठ जाया करो। तो 64 में से एक गया, 63/64 आंसर आ गया 11^63/64। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत किसी को भी, दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल दिक्कत हो आराम से पॉज करो चीजों को, खुद से लिखो समझो, उसके बाद आप लोग आराम से इन चीजों को रिपीट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सर उन नंबर के लिए जिनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, मतलब कि लिमिटेड टाइम्स हैं और रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और मान लो का मेरा मतलब है कि वो क्वेश्चन आ चुके हैं, यहां 3 लिखा हुआ है, देखो इस 3 का क्या मतलब है समझ में आ रहा है, 5^1/3, 3 का मतलब क्यूब रूट। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ये 1/2 है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर मुझे 1/3, 1/4 या 1/5 शो करना है तो मैं यहां पर कोई ना कोई नंबर जरूर मेंशन करूंगा। तो सुनिएगा इस तरीके से इसको सीक्वेंस चल रहा है, फिर से यहां 3 आ गया, 5 3 5 3 5 3 5, बस इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड टर्म्स आपको दिखाई दे रही है। नोट करिए फटाफट से क्वेश्चन को एक बार। अब ये इतना तो आप समझदार हैं कि सर अब हम लोग 2 की पावर को काउंट नहीं करेंगे, 2 की पावर को काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर इस बार पावर 1/2 नहीं है, पावर 1/3 है। तो क्या करना है, बिल्कुल भावुक नहीं होना है, बातों को समझना, मैं समझाऊंगा क्या करना है। आप क्वेश्चन नोट कीजिए केवल एक बार, सबसे पहले मुझे पता है कि आंसर 5 की पावर के रूप में आएगा, आएगा क्या, 5 की पावर क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली, एक्स की वैल्यू निकालना सीखे आप। अब ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सुनिए पावर 1/3 तो 1/3, अच्छा कितनी बार है 5, 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर भी मैं 5 नंबर लिखने वाला हूं, कितने नंबर 5 नंबर। कैसे देखो, पहला नंबर हो गया सर 1/3, अगला इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9, अगला इसका क्यूब, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पावर बढ़ती जाएगी, तो सर 3 का क्यूब होता है 27, फिर अगला पावर 4, 3^4 81, हमें 5 स्टेप चाहिए थी, 3^5 243। आई बात समझ नहीं आई, शुरुआत हमने 1/3 से क्यों की, सर ये हमारी मर्जी थोड़ी ना, यहां तो 3 लिखा हुआ है इसलिए हम 1/3 से शुरुआत कर रहे हैं, कल को ये सब मैं 4 लिख देगा तो मैं शुरुआत 1/4 से कर दूंगा, जितनी स्टेप है उतनी स्टेप आपको यहां लेनी आ जा सकते हैं। तो यहां देखिएगा 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि एलसीएम आएगा 243। बताओ जरा 3 से कितनी बार 81 बार, 9 से कितनी बार 27 बार, 27 से कितनी बार 9 बार, 81 से कितनी बार 3 बार, 243 से 1 बार, जरा जोड़ोगे क्या आ रहा है, 9 और 1 10 तो ये हो गया, 27 और 3 30 ये हो गया, 30 और 10 40 ये हो गया, 40 और 81 कितने होते हैं 121, वेरी गुड 121/243। ये आंसर थोड़ी ना है, ये तो एक्स की वैल्यू आ रही है, आंसर क्या आएगा फिर आपका, आंसर आ गया सर 5^121/243। कुछ बात बैठी क्या माइंड में, जब पावर 1/2 थी ना तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 2^5 32 में से एक गया 31/32, ऐसा किसी और नंबर में नहीं होगा, आपको डाटा सॉल्व करना ही पड़ेगा। नोट करिए एक बार, ये थी पावर 1/3 के लिए ना। चलो भाई आप लोग, सेशन आपके पास रहेगा और रिकॉर्डेड है तो आप लोग बिल्कुल पॉज कर करके चीजों को नोट करते रहना बाद में। अभी मुझे जरा एक बार फुर्ती के साथ इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए।
क्वेश्चन लिख लो, सेशन को पॉज करो, अपने तरीके से आंसर निकालो, और फिर जब आपको लगता है कि आपका आंसर आ गया तो भी आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर आपको मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूं, आप चेक करते रहिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सर आंसर 6 की पावर के रूप में आएगा, 6 की पावर एक्स आएगा। हम लोग केवल एक्स को निकालना सीख लेते हैं। यहां बाहर 4 लिखा हुआ है, मतलब कि 1/4 है, स्टेप आपकी 4 है, तो यहां भी 4 स्टेप आएंगी, 1/4 स्क्वायर करेंगे 1/16, 4 का क्यूब 1/64, 4 की पावर 4 होता है आपका 256। बहुत बढ़िया, एलसीएम जो आएगा आपका आएगा 256। 4 से काटोगे तो सर 64 बार कैंसिल हो गया, 16 से काटेंगे तो 16 बार होगा, 64 से काटेंगे 4 बार हो जाएगा, 256 से काटेंगे 1 बार कैंसिल हो जाएगा। जोड़ दें सभी को, बिल्कुल जोड़ने के अलावा ऑप्शन ही कहां है हमारे पास। 16 और 4 20 होते हैं, 20 और 1 21 होते हैं, 64 और 21 वेरी गुड 85 आएगा, 85/256 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा 6 की पावर कितना, 6 की पावर सर 85/256, ये अपना आंसर 85/256 6 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, ये अपना आंसर होगा 6^85/256, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आगे आने वाले सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आज इस सेशन में जितने भी पैटर्न आपने पढ़े तो मेरे कहने से एक बार सभी को नोटबुक में नोट कीजिएगा, जब भी आपका एग्जाम आएगा उससे पहले रिवीजन करने में आपके पर्सनल नोट्स आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जो मैं सिंप्लीफिकेशन का लूंगा उसमें शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं उन्हीं सभी पैटर्न्स के ऊपर जो पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।